मैं यही बताना चाह रहा था कि गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, इसकी तो अपने मुंह से मुझे खुद को ना पता ना मैं कह सकता, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि गुरु जी हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि आप जिस तरीके से अंदर हैं उसी तरीके से आप मंच पे आ जाते हैं। तो जो सोच या जो विचार आपको मिले हैं अपने परिवार से और वो जो परंपरा से, वो विचार ही आपको इंसान बनाते हैं। और एक इंसान पहले होता है, फिर उसके बाद वो कुछ कलाकार या जो भी श्रेणी में जाए वो बाद की बात है। पैदा होता है तो कुछ भी नहीं करता, वो संस्कार से ही आगे बढ़ता है। तो अच्छा इंसान सही मायने में बहुत है कि उसको अगर अच्छा कलाकार बनना है तो एक अच्छा इंसान पहले बने, ताकि वो अच्छा कलाकार एक कदम आगे बढ़ सके। मैं ये सोचता हूँ कि शिष्य और गुरु शिष्य जो परंपरा है, उस परंपरा में इतनी जगह या इतनी स्पेस होनी चाहिए कि शिष्य अपने भीतर की जो भी उसको तकलीफ़ या खुशी है या वो जो महसूस करता है वो बिंदास गुरु से बोल सके। अगर उसे डरा डरा के या उसको हम दबा के उसे रखें, तो हम उसे जैसे एक मिट्टी होती है उसे पीट पीट के, और उसे प्यार से भी तो रखते हैं, खाली पीट के मिट्टी से कभी कोई अच्छी आकृति नहीं निकल के आई, वो आकृति दोनों तरफ से बन के आती है। तो जो बच्चे या जो भी शिष्य मेरे से सीखते हैं, वो उनको जानबूझ के एक मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि एक खुला वातावरण रहे, कि वो अपने आप को सहजता से रख सकें, क्योंकि सहज होना बहुत, वही अच्छा इंसान भी तो बनना है, तो अच्छा इंसान बनना है उसके लिए वो पहले सहज रहे, सहजता से अपने आप को रखे। और वाकई वो मेरे जहाँ गुरु की एक इज्जत होती है, एक ऊपर उनको कायम रखना चाहिए, काम के वक्त वो बिल्कुल हम ऐसे हैं, ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है, तो वो एक काम का दायरा ऐसे है, काम हुआ, शिक्षा का लेन देन हुआ, कार्यक्रम हुआ, ये सब कुछ हुए, उसके बाद हम एक सब एक इंसान के जैसे हो जाते हैं। वो परंपरा में भी है और वो उसको कायम भी रखना चाहिए। बहुत बड़ा विषय है, छोटा सा एक उदाहरण ये दे सकते हैं कि घराने जो थे वो एक स्टेट, जैसे स्टेट होती, राज्य होते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से वो उस वक्त जिस कला प्रफुल्लित हो रही थी या बन रही थी, उस वक्त ये ट्रेडिशन बने कि भाई ये घराना है, उसकी खुशबू भी आई, और उसके जैसे फूल अलग अलग जगहों के पहाड़ों पे जाएं तो एक अलग वातावरण में वो फूल और वो वनस्पति मिलेगी आपको, समुद्र के किनारे चले जाएं तो कुछ और मिलेगा, रेतीले हिस्सा चले जाएं। उसी तरीके से मुझे अपने इस जयपुर के बारे में ये कहना कि जयपुर घराने में शुरू से ये रहा कि एक तेज प्रवृत्ति का एक सोच विचार से रहा, और मंदिरों में क्योंकि हमारे यहाँ मुगल शासन तो हुआ ही नहीं, तो वो जो मंदिरों का एक असर था वो तब भी था और वो चलता चला गया। और एक और कहते थे कि जितने बोल आप मुंह से बोल रहे हैं या जो कथा आप मुंह से कह रहे हैं वो करके दिखाओ, इसी को कहते कथा कही सो कथक कहलाए। तो वो उसकी सफाई और उसकी तैयारी, और हमारे जो भाव पक्ष जयपुर घराने की विशेषता मेरे को जो लगती है, अब मैंने इतने सालों में जो महसूस किया वो ये, मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ श्रृंगारिकता के साथ भक्ति का बहुत ओतप्रोत रहा, उसको मिला के रखा। धार्मिकता की बात आती है ना, तो धार्मिकता को हम लोगों के को ऐसा समझाया गया कि कृष्ण जो है वो सखा है, कृष्ण सखा मिल गए ग्वाली नगर, हेरे ते फेरे ते जब देख लियो तब ग्वाल के कांधे चढ़ माकन उतार लियो और खाए लियो, दध की मटकी झटकी पटकी और दूध को भी बिखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए दधि खाए गए, देख नारायण ताल बजाए के नाचने लागे, किट थेत 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 तकिट थेत 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 तकिट थेत थेत थेत। छोटी सी लीला है जैसे माखन चोरी की, वो ऐसे सिखाई गई, गेंद खेलत हिरत फिरत जैसे काल्य दमन में, तो उसमें नागी जो हमारे दादाजी ने लिखी है कविता सारे, तो उसमें नागिनिया जो है वो उसमें शुरू में तो कह रही है कि तुम हो बाल गोपाल लाला, जब वो पहुँचे नाग के पास, तुम हो बाल गोपाल लाला हमको आता तरस तुम पे, कि तुम इससे कहाँ लड़ने आ गए हो, नाग इससे, नाग देवता से, उनकी नागिना कह रही है वाइफ के।
लास्ट में लाइन आ रही है कि अब हो जानो तुम हो कृष्ण अवतार प्रभु जी, तुम कृष्ण नहीं अवतार हो प्रभु जी के। तो ये दोनों बातें जो है ना परस्पर वो हमें सिखाई और समझाई जाती है, तो इसलिए उसका प्रेजेंटेशन या उस भाव पक्ष को इस तरीके से रखते हैं हमारे यहाँ। पथ संचालन लड़ियाँ त्याइयाँ ये सब चाले जैसे ये पलटे ये बोल हम लोग पलटे करते हैं, लय बांट करते हैं, तो लयकारियाँ भी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे ताथे तत मूल मंत्र है जो हर घराना और हर परंपरा करता है, तो लेकिन वो ये कि आपके टेस्ट की बात है, कोई ज़्यादा तीखा खाना पसंद करता है, कोई थोड़ा मीठा पसंद मिला लेता है, तो ऐसा भी नहीं बात है। धाओ तक दे ता ते ट क ता ग दि ग न धाओ तक दे धा ते टे क ता ग दि ग न धा ते टे क ता ग दि ग न धा ते टे क ता ग दि ग न धा धा ते टे क ता ग दि ग न धा ते टे धा ते टे धा के दि ग न ते टे धा धा दि दि ना ते टे ते टे क ता ते टे ता कर दा ते टे दे त दे त दा दे त दे त दा दे त दे त दा गिन 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 त दा तदा। वैसे तो सही मायने में नृत्य एक जीवन में उसी को साध लें तो बहुत कमी लगती है मुझे। ऐसा लगता है कि एक जीवन कम है एक चीज़ के लिए। इतनी ये बड़ी बड़ी परंपराएं रही और बुज़ुर्गों ने कैसे कैसे बना दी, लेकिन हाँ ये कभी कभी जैसे सिखाते वक्त कोई नहीं है अगर क्लास में या कहीं कार्यक्रम में कोई फंस गया तो अच्छा हम जो तबला बजाते हैं एक इसकी विशेषता और भी बताऊं। जितने भी आप नृत्य गुरुओं से बातचीत हो या कभी आप उनके कार्यक्रम में देखेंगे, वो हम लोग जो भी बजाएंगे या गाएंगे है नृत्य के आसपास। जैसे अगर मुझे कहें कि किसी दिल्ली घराने का कोई विशेष कायदा है ये सब शायद हम इतना नहीं बजाएं, पर नृत्य के बोलों को ज़रूर हम तबले के साथ उनके साथ बजा देते हैं। जैसे अभी नृत्य के बोल दिया, अभी धाती टे बजा तो लेंगे, पर वो एक सही मायने में जैसा होना चाहिए वो बात ईमानदारी से नहीं होगी। वैसे ही जैसे कभी गाने में अब होता क्या है कि आप कुछ बंदिश आप चाहते हैं कि भाई ये बंदिश ऐसे गाई जाए, क्योंकि मेरे मन में वो भाव या जो भी कुछ आ रहा है कि मैं ऐसा करूं। अब गायक हैं नेचुरली, उन्होंने अपनी गायकी का एक परंपरा अनुसार जैसे गायन सीखा है, अब वो ये नहीं ज़रूरी है कि जैसा उन्होंने गायन सीखा है वैसा ही मेरा भाव मेरे मन में आ रहा है। वो सुन के मेरे भाव और मेरे जो राग रागिनी है वो अलग तरीके की हो गई। तो अब तब हम अपने कैसे बता देते नंद नाचत सुधंग। अब मेरे मन में ऐसा रखे कृष्ण जैसे अष्टपदी के नाचे तो सुधंग श्री नंद नंद, ये सूरदास जी की रचना है। हर शख्स इसे कई लोग करते भी हैं कई लोग कराते भी हैं उनकी। अब आप देखेंगे तो अगर किसी और गुरुजन को नृत्य करते या इस पे भाव करते हुए देखेंगे तो वो उनकी राग कुछ अलग होगी, क्योंकि उनका वो मनों को छूने वाला वो स्वर जो है, स्वर ऐसी चीज़ है जो दिल को छूती है तो गले से निकलती है। जब तक वो वहाँ ना पहुँचे तो तब यहाँ गले से दिल को छूने से ही स्वर निकलता है और दिल को छूने से ही वो भाव बन पाता है। अगर हम ऐसे ऊपरी तौर पे करें तो गहराई का भाव नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लगा नाचत सुधंग श्री नंद नंद नाचत सुधंग, ऐसा संगीत हम लोगों का मिलके चल रहा होता है।